ये वीडियो चैप्टर 8 का पहला हिस्सा है जिसमें हम वेव्स पढ़ेंगे, पीरियोडिक वेव्स और ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जो कि वेव्स की दो एग्जाम हैं। वेव्स को समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें एक बैंक के बाहर लोग बिल जमा कराने के लिए खड़े होते हैं लाइन में करीब करीब एक दूसरे के। अब क्या होता है, एक बंदा आता है पीछे से और ये सख्त जल्दी में ये चाहता है लाइन आगे को मूव करे, तो ये अपने से आगे वाले बंदे को पुश करता है, धक्का देता है, जिसके नतीजे में चूंकि ये सब एक दूसरे के करीब करीब खड़े हुए हैं, वो अपने से आगे वाले बंदे को धक्का दे देता है ना चाहते हुए भी, और फिर ये वाला बंदा अपने से आगे वाले बंदे को धक्का दे देता है, और आखिरी आखिर में जो बंदा खड़ा होता है वो आगे को झुक जाता है। तो लाइन थोड़ी सी आगे को मूव हो जाती है, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए, लाइन में अगर आप खड़े हैं तो आपको सब्र करना चाहिए। बहरहाल इस एग्जाम्पल से, इस बिहेवियर से हम एक वेव देख सकते हैं कि एक वेव क्या होती है। क्या हुआ कि इस येलो वाले बंदे ने एक एनर्जी ट्रांसफर की इस ग्रीन वाले बंदे में। एनर्जी कैसे ट्रांसफर की, उसने एक फोर्स अप्लाई किया जिसके नतीजे में एक डिस्प्लेसमेंट हुई, यानी ये डेफिनेशन है वर्क की, और जब आप किसी चीज पे वर्क परफॉर्म करते हैं तो आप उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। तो इस येलो वाले बंदे ने अपने से आगे वाले बंदे में एनर्जी ट्रांसफर की और वो इस ग्रीन वाले ने अपने से आगे वाले में ट्रांसफर कर दी, और यूं एनर्जी इन सब लोगों में से गुजरते हुए आखिरी आखिर में खड़े हुए बंदे तक पहुंची। तो एनर्जी जब यूं ट्रैवल करती है किसी मीडियम में से तो उसको हम कहते हैं वेव। वेव की क्या डेफिनेशन है, एनर्जी ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम। ये एक खास किस्म की वेव है, यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये मैकेनिकल वेव होती है जिसमें हमें मीडियम की ज़रूरत होती है, एनर्जी मीडियम में से ट्रैवल करती है। यानी इस मिसाल में मीडियम क्या था, ये लोग। इसके अलावा मीडियम क्या हो सकता है, किसी भी मटेरियल के अंदर, चाहे वो सॉलिड लिक्विड या गैस है, उस मटेरियल के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो इन लोगों की तरह होते हैं, एक दूसरे के करीब करीब होते हैं और उनके बीच में केमिकल बॉन्ड्स भी होते हैं। तो जब एक को हम मूव कराते हैं, एक के अंदर हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, तो वो एनर्जी अपने से आगे वाले में ट्रांसफर कर देता है और फिर वो अपने से आगे वाले में कर लेता है। तो इस तरह मटेरियल के अंदर से एनर्जी ट्रांसफर होती है। इन वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। ऐसी भी वेव होती हैं जो बगैर किसी मीडियम के वैक्यूम में से ट्रैवल करती हैं। ऐसी वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, जिनको हम अगले चैप्टर में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम मैकेनिकल वेव्स को देखेंगे जो एक मीडियम में से सफर करती हैं। वेव्स दो तरह की होती हैं, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। अभी जो हमने मिसाल देखी जिसमें लोग लाइन बना के खड़े हुए थे, उसमें जो एनर्जी की वेव थी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी, और जो लोग, जो मीडियम थे जिनमें से वो वेव गुजर रही थी, उनकी डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टल थी। तो जब ये दो डायरेक्शंस आपस में पैरेलल होती हैं, यानी वेव की डायरेक्शन और जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं या बॉडीज हैं जो जिनमें से वो वेव गुजर रही है, उनकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जब एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उनको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, और जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो इनको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव की एग्जाम्पल हम कैसे देख सकते हैं, अगर हम पार्टिकल कंसिडर करें जो एक मीडियम के अंदर हैं, ये सब पार्टिकल एक दूसरे के करीब हैं और उनके बीच में केमिकल बॉन्ड्स हैं। तो पहली एग्जाम्पल में ये पार्टिकल आगे को मूव करेगा, तो इससे अगले वाला पार्टिकल भी आगे को मूव करेगा, उससे अगले वाला पार्टिकल भी आगे को मूव करेगा, और यूं ये वेव हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करेगी, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव बनेगी। मगर अगर ऐसा हो कि हम इस पार्टिकल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर कर दें और ये अपनी जगह से ऊपर चला जाए, यहाँ चला जाए, तो फिर चूंकि इनके बीच में केमिकल बॉन्ड है तो इसके साथ वाला पार्टिकल को भी ऊपर जाना पड़ेगा, फिर ये वापस नीचे आ जाता है तो फिर साथ वाला भी नीचे आ जाएगा, मगर जब ये ऊपर गया था तो इसके साथ वाला ऊपर चला गया था। तो यूं एक वेव इन पार्टिकल्स में से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, मगर ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स बजाते खुद ऊपर नीचे ट्रैवल कर रहे हैं, यानी वेव की डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और ऐसी वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। हमने कहा कि वेव एनर्जी ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम, एनर्जी की एक लहर होती है जो एक मीडियम में से गुजरी होती है, और न्यूटन का थर्ड लॉ हमें बताता है कि एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, बल्कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर की जा सकती है। तो वेव्स के केस में जो बॉडी हमें एनर्जी ट्रांसफर कर रही होती है उसको हम कहते हैं वेव सोर्स, और वो वर्क परफॉर्म करती है दूसरी बॉडी के ऊपर जिसको हम कहते हैं मीडियम, और उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर कर देती है। वेव सोर्स अगर एक एनर्जी की बर्स्ट ट्रांसफर करेगी तो एक वेव प्रोड्यूस होगी मीडियम में, और अगर हमारा वेव सोर्स पीरियोडिक है, जिसका मतलब है कि वो एक टाइम पीरियड टी के बाद बार बार अपना बिहेवियर रिपीट कर रहा है, उतनी ही एनर्जी जनरेट कर रहा है, तो हमारे मीडियम में फिर पीरियोडिक वेव्स पैदा होंगी।
जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होती है तो वो हमारे लिए एक पीरियोडिक वेव सोर्स के तौर पे एक्ट कर सकती है। मसलन हम एक पेंडुलम की एग्जांपल देखते हैं। एक पेंडुलम है, रस्सी के साथ एक बॉल लटका हुआ है, ये हमारा अब एनर्जी का सोर्स है, ये हमारा वेव सोर्स है। इसके साथ हम एक मीडियम अटैच करते हैं, एक रस्सी हम वर्टिकली लटका देते हैं। अब हमारा वेव सोर्स हमारे मीडियम के ऊपर वर्क परफॉर्म करेगा, उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर करेगा। सबसे पहले हम इस बॉल को एक एक्सट्रीम पोजिशन पर लेके जाएंगे, तो क्या होगा, इसके साथ जो रस्सी अटैच्ड है ये बॉल उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये रस्सी भी इसके साथ साथ मूव करेगी, तो ये रस्सी अपनी मैक्सिमम पोजिशन पे चली जाएगी, ये बॉल उसको ले जाएगा क्योंकि ये बॉल उसके ऊपर एक फोर्स परफॉर्म कर रहा है जिसके नतीजे में एक डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है रस्सी में। फिर जब ये बॉल वापस अपनी मेन पोजिशन पे जाएगा तो ये भी वापस अपनी मेन पोजिशन पे आ जाएगी रस्सी। अब हम देख सकते हैं कि जितने बॉल डिस्प्लेस होगा अपनी मेन पोजिशन से उतनी ही रस्सी डिस्प्लेस होगी अपनी मेन पोजिशन से। फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजिशन पे इसी तरह जब बॉल जाएगा तो रस्सी भी जाएगी और फिर यूं वापस आ जाएगी, एक हमारा टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा इस तरह। और हम देख सकते हैं कि जो बॉल का टाइम पीरियड होगा, जो हमने कहा था कि टी हम उसको कहते हैं, वही हमारा इस वेव का टाइम पीरियड होगा जो इस रस्सी में जनरेट हुई है एनर्जी की वेव। और अगर हम इसको फर्दर देख सकें तो ये बॉल फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता चला जाएगा तो रस्सी में साइन वेव्स पर जनरेट होती जाएंगी। अगर हम इसको आगे तक देख सकते तो ये हमें यूं नज़र आता है, ये पेंडुलम है, ये साइन वेव्स जनरेट होती जाएंगी क्योंकि वो बॉल टू एंड फ्रो मूव करता जा रहा है। अब हम ये देखना चाहते हैं, हमने देख लिया कि टाइम पीरियड उतना ही होगा जितना सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई बॉडी का था। हम देखना चाहते हैं कि स्पीड क्या होगी इस वेव की। सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ जो बॉल था उसकी स्पीड हमने कहा था, उसको सर्कल के साथ रिलेट किया था और हमने कहा था कि एक पूरे पीरियड में 2π, एक सर्कल पूरा कंप्लीट होता है तो 2π डिस्प्लेसमेंट होती है और टाइम पीरियड टी में होती है, और इससे हम बॉल की स्पीड मालूम कर सकते हैं। वेव की स्पीड हम कैसे मालूम करेंगे, हम एक खास वेरिएबल डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं एक टाइम पीरियड में वेव ने जितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की उसको हम कह देते हैं लैम्डा, जिसको हम कहते हैं ये वेवलेंथ है उस वेव की। तो स्पीड वेव की जो उसने डिस्प्लेसमेंट की और जितने टाइम में की, ये पीरियोडिक वेव्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स है। ये उस हमें वेव की स्पीड बता रहा है, इसको हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है 1 ओवर टाइम पीरियड हर्ट्ज। हमने शुरू किया एंगुलर मोशन से, जिसमें एक सर्कल में एक बॉडी मूव कर रही होती है और किसी भी पॉइंट पे वो बॉडी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है इसको थीटा कहते हैं, इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है और इसी को हम फेज भी कहते हैं। फिर हमने सर्कुलर मोशन के साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिलेट किया, हमने कहा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई बॉडी बिल्कुल ऐसी होती है जैसे हम इस सर्कल मोशन वाली बॉडी की प्रोजेक्शन ले लें इसकी वाई एक्सिस पे, और हमने कहा कि ये प्रोजेक्शन बराबर होती है साइन थीटा के, ये उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी इस बॉल की डिस्प्लेसमेंट जिसको अगर मैं एक्स कह दूं बराबर होती है साइन थीटा के। और वैसे भी अगर मैं इसको देखूं तो ये बॉल ऊपर जाता है फिर मेन पोजिशन पे आता है फिर नीचे जाता है फिर मेन पोजिशन पे आता है, तो ये एक साइन वेव बना रहा होता है, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो एक साइन वेव बना रही होती है। अगर मैं इसका टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व लूं तो ये मेरे पास साइन थीटा साइन का फंक्शन बनेगा। इसका मतलब यह है कि इस ग्राफ के ऊपर हर हर पॉइंट के साथ एक एंगल एसोसिएटेड है। इस पॉइंट पे एंगल जीरो होता है, इसका मतलब होता है जब सर्कल में हमने मूव करना शुरू किया तो एंगल जीरो पे थे हम, ये जीरो एंगल है। फिर जब हम ऊपर जा रहे थे 90 डिग्री पे पहुंचे तो हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे एक्सट्रीम पे, फिर वापस मेन पोजिशन पे आए ये 180 डिग्री बनता है, फिर 180 से लेके 270 तक दूसरी एक्सट्रीम पे गए और फिर वापस 360 पे आ गए। जब हम वापस 360 पे आते हैं तो हम एक्चुअली उसी पोजीशन पे आ गए होते हैं जहां से हमने शुरू किया, तो 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही होता है। ये बेसिकली ऐसे पॉइंट्स जिनमें सर्कल में अगर हम देखें तो हम वापस उसी पॉइंट की बात कर रहे होते हैं जैसे 0 और 360, मगर अगर हम उसको वेव में देखें तो वो हमें लीनियरली नजर आ रहा होता है, यानी हम उसको फैला के देख रहे होते हैं। ऐसे पॉइंट्स को हम कहते हैं कि वो पॉइंट्स असल में इन फेज हैं क्योंकि वो सर्कल में एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जैसा कि 0 डिग्री और 360 डिग्री। ये 360 जो है ये इसको हम 0 डिग्री भी कह सकते हैं। इसी तरह पहले का जो 90 डिग्री था, दूसरे साइकिल में जो 90 डिग्री था वो असल में यही वाला पॉइंट था, अगर हम सर्कल पे देखें तो वो यही वाला पॉइंट होगा दोबारा। तो ऐसे सब पॉइंट्स इन फेज होते हैं और चूंकि ये पीरियोडिक मोशन होता है यानी हर टी टाइम के बाद रिपीट हो रहा होता है, तो जो भी दो पॉइंट्स इन फेज होते हैं उनके बीच में भी वो हर टाइम पीरियड टी के बाद वो बॉडी वापस उसी पॉइंट पे होती है।
तो ऐसे पॉइंट्स को हम कहते हैं कि वो इन फेज हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स विच आर इन द सेम फेज. एक पीरियोडिक वेव में हम उसको सर्कल पे देख सकते हैं, एक सर्कल में जब हम वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाते हैं तो वो हम उसी पोजीशन पे आ जाते हैं, और उन ऐसे सब पॉइंट्स को हम इन फेज कहते हैं. जैसे हमने शुरू किया तो हमारा एंगल जीरो था, जब हमने एक सर्कल कंप्लीट कर लिया तो 360 हो गया, मगर जीरो और 360 आपस में इन फेज होंगे. इसको अगर हम साइन वेव पे देखें तो जीरो इधर आता है और 360 इधर आता है, मगर ये 360 असल में इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उतनी ही होती है जितनी जीरो की होती है. ये वापस हम उसी पॉइंट पे आ चुके होते हैं, इसलिए हम इस ऐसे सब पॉइंट्स को कहते हैं कि ये इन फेज हैं. इसको मैं कहीं से भी मेजर कर सकती हूँ. अगर मैं इसको यहाँ से मेजर करूँ तो मैं सर्कल पे वापस जब आऊंगी 90 डिग्री के ऊपर, पहले ये 90 था, फिर 90 प्लस 360 हो जाएगा, 450 हो जाएगा. तो 450 और 90 डिग्री जो है ये इन फेज होंगे. इसको मैं साइन वेव पे यूं देख सकती हूँ, एक दफा मैं 90 पे थी और अगली दफा जब मैं दोबारा 90 पे आई तो एक्चुअली ये 450 डिग्री और 90 डिग्री इन फेज थे. ये पीरियोडिक वेव्स हैं. एक पूरा सर्कल में हमेशा टाइम पीरियड टी में कंप्लीट करती हूँ, और जब मैं कंप्लीट करती हूँ तो मेरी वेवलेंथ कितनी कवर हुई होती है, लेमडा. तो एक टाइम पीरियड में मेरी हमेशा लेमडा वेवलेंथ कवर होती है. तो जब मैंने 90 से मेजर करना शुरू किया तो 90 to 90 भी मेरी वेवलेंथ लेमडा ही कवर होगी. तो इसलिए उन्होंने डिस्टेंस पूछा है वो वेवलेंथ के बराबर होता है. बाकी ऑप्शन क्या है, एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, तो ये गलत है. डिस्प्लेसमेंट बहुत जेनेरिक टर्म है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है. सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती. फेज डिफरेंस, जब दो पॉइंट्स एक फेज में होते हैं तो हम सर्कल में उतनी ही हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उतनी ही होती है, तो उसमें कोई फेज डिफरेंस होता ही नहीं है. इफ द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज 1 सेंटीमीटर, ये उसकी वेवलेंथ है 1 सेंटीमीटर, एंड इट्स पीरियड इज टाइम पीरियड टी 0.02 सेकेंड है, देन द वेलोसिटी ऑफ द वेव, सिंपली वेलोसिटी ऑफ द वेव या वेव की स्पीड हमने फाइंड करनी है. हमारे पास रिलेशनशिप था वी इज इक्वल टू एफ लेमडा या वी इज इक्वल टू लेमडा ओवर टाइम पीरियड, ये हम यूज करेंगे. सिंपल स्पीड फाइंड करेंगे. हम देखते हैं आंसर की एक दफा यूनिट्स देख लें सेंटीमीटर पर सेकेंड में, इसलिए हमें यूनिट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. हम सिंपली 1 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे 0.02 सेकेंड के साथ, तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी. इसको हम कैलकुलेटर के बगैर अगर करना चाहते हैं तो मैं इसको 100/2 करके लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने इसको यूं करके 100 लिख दिया और 100 को मैं ऊपर ले आई. सेंटीमीटर पर सेकंड में मेरा आंसर आएगा 50 सेंटीमीटर पर सेकंड, जो कि ये है. और बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं. ये एक सिंपल न्यूमेरिकल है जिसकी अगर आप कैलकुलेशन सही करें, स्पेशली 0.02 को सही तरीके से कन्वर्ट करें, तो हमारा आंसर 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इसमें कंफ्यूजन उसी वक्त हो सकती है जब आप इस कैलकुलेशन करने में मसला करें, जो डेसिमल को आप कन्वर्ट करें. ट्रांसवर्स वेव्स, द डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ इज इक्वल टू, कोई भी वेव हो ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल, एक टाइम पीरियड के अंदर वो एक लेमडा वेवलेंथ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है. ये एक टाइम पीरियड होता है. और क्रेस्ट और ट्रफ क्या होता है, क्रेस्ट होता है उसका मैक्सिमम और ट्रफ होता है उसका मिनिमम पीक. तो ये पूरा 1 लेमडा है, तो इसको अगर मैं हाफ करूं तो ये लैम्डा बाई 2 होगा, और इसको अगर मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो हर पार्ट लैम्डा बाई 4 होगा. तो क्रेस्ट और ट्रफ के दरमियान, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान हम देख सकते हैं कि हमारे पास लैम्डा बाई 4 दो यूनिट्स आ रही हैं, तो ये टोटल लैम्डा बाई 2 के बराबर है. इसको अगर हम ध्यान से देखें, वेव को एनालाइज करें, तो लैम्डा बाई 2 का डिस्टेंस बनता है. लैम्डा नहीं बनता, 2 लैम्डा नहीं बनता, 3 लैम्डा नहीं बनता, 2 लैम्डा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक पूरी वेवलेंथ एक टाइम पीरियड के अंदर सिर्फ 1 लैम्डा कवर करती है. तो 2 लैम्डा और 3 लैम्डा एज इट इज रूल आउट हो जाते हैं. लैम्डा बाई 2 है क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हाफ वेवलेंथ कवर हो रही है. नहीं है, लैम्डा पूरे एक वेव होती है जिसमें हम मीन पोजिशन से मीन पोजिशन पे जा रहे होते हैं. When transverse wave propagate through a medium, then the particles of the medium, transverse wave के केस में wave की direction और particles की direction आपस में perpendicular होती है. At rest नहीं होते, particles move करते हैं तो wave move करती है. Vibrate along the direction, ये longitudinal waves के केस में होता है. Vibrate perpendicular, ये ठीक है. Vibrate at an angle of 180, 180 का मतलब है wave जूं जा रही है और particle यू move करें. अगर particle यू move करेंगे तो wave दूसरी direction में जाएगी, तो wave की direction में propagate करते हैं, मगर 90 degree के केस में. इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट, इसके केस में वेव यूं जा रही होती है तो पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में मूव करे होते हैं, तो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन. परपेंडिकुलर नहीं होते, ये ट्रांसवर्स के केस में होते हैं. ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, ये बराबर है कि अगर हम कहें 180 टू द डायरेक्शन
डायरेक्शन ऑफ मोशन, मगर ये वही होता है कि अगर पार्टिकल्स इस तरह मूव करेंगे तो फिर वेव भी खुद ब खुद इसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगी, तो इसलिए ये गलत है, डू नॉट वाइब्रेट एट ऑल, ये ठीक नहीं है, क्योंकि वाइब्रेट तो करते हैं पार्टिकल्स.